गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ 29th एंड अगस्त। टाइम हो रहा है सुबह के 3 बज रहे हैं और धो के रेडी होता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका दोस्त विवेक लेके आ गया हूँ एक और फ्रेश और न्यू वीडियो लेके। पूरे के पूरे 2 हफ्ते बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ गया था इसलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था और वीडियो नहीं बना पा रहा था। फिलहाल मैं नहा के एकदम हो चुका हूँ रेडी, देख सकते हैं आप, और टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे होंगे सुबह के, और डेट है 29th ऑफ सितंबर। और ये देखो भैया, भाई सामान पूरा रेडी है निकलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम लोग आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। फिलहाल तो बस निकल रहे हैं। एंड दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन टू योर फैमिली फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। तो गाइस, हम लोग हैं इस समय सर्विस एरिया पे रुके हुए हैं एंड देख सकते हैं पूरा सर्विस एरिया बना हुआ है और रेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कंटिन्यूस 2-3 आवर हम लोग ने ट्रैवल किया तो रेस्ट करने के लिए रुके हैं। हम थोड़ा चाय नाश्ता यहाँ करेंगे अगर अवेलेबल हुआ तो। एंड फिलहाल हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जाने के बाद आपको मैं बताऊँगा कहाँ जा रहे हैं। एंड इन्जॉय करिए। राइड वॉज, आया। सो गाइज, राइड वॉज प्रिटी बोरिंग, क्योंकि यार कंटिन्यूस ट्रैवल करना, वो भी एक्सप्रेस वे पे, थोड़ा सा बोरिंग था। एंड कंटिन्यूसली ट्रैवल करे जा रहे थे सुबह से हम लोग 5 बजे उठ के, दैट वॉज लिटिल बिट बोरिंग। फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कुछ मिले खाने पीने का, तो इट्स हैव बिकॉज थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और यार ये तो मस्त बना हुआ है, दिखाता हूँ आपको, एकदम ऑसम सा बना हुआ है।
बस यहाँ कॉफ़ी मिल रहा है। ये आगरा एक्सप्रेसवे का नाश्ते वाला ढाबा है, यहाँ पर हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद 100 किलोमीटर और चलेंगे, फिर हम आगरा पहुँचेंगे, उसके बाद हम फिर नोएडा जाएंगे जो जमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत सुहाना है और बहुत ही अच्छा हम लोगों का सफ़र चल रहा है। तो दोस्तों पहुंच चुके हम लोग नोएडा में, एंड यहाँ पे एक्चुअली मेरी सिस्टर को अपने हॉस्टल में कुछ सामान लेना था, तो जो लॉकडाउन के पहले आ गई थी तो वही लेने आए हम लोग, उसी के हॉस्टल पे रुके हुए हैं जस्ट। एंड बस यहाँ से 200 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि शाम तक मे बी 5-6 बजे तक पहुँच जाएँ। फ़िलहाल सबसे पहले यहाँ से जाने के बाद लंच करना है हमको, देखते हैं कहाँ पर लंच करते हैं। और गर्मी यार थोड़ी ज़्यादा हो रही है, आप देख लो धूप कितनी तेज़ निकली है नोएडा में इस समय। टाइम हो रहा है भाई 12:50 हो रहा है, और भाई यार नोएडा दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरी गाड़ी और कुछ नहीं दिख रहा। तो अच्छा है, ठीक ठाक सा है। और ये देखो मेरी मम्मी, मम्मी हेलो, जाना कितना बदलता है घर बार भी। हाय। तो सुबह हम लोग चले थे करीब 5:30 के आसपास, एंड इस समय 12:45 हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं नोएडा में। एक्चुअली मेनली हमको जाना है कहाँ पे, मेनली हमको जाना है सहारनपुर में। सहारनपुर से पहले देवबंद पड़ता है, वहाँ जाना है हम लोग, तो वो यहाँ से है 168 किलोमीटर और ज़्यादा। एंड फिलहाल तो मतलब 5 से 12 जो बच गए हैं, 6-7 घंटे लग गए हम लोग को आने में, तो देखो वहाँ जाने में कितना टाइम लगता है। फिलहाल हवा बहुत ही प्यारी चल रही है, देखो भाई क्या क्या हवा चल रही है, और मौसम थोड़ा गर्मी है। ठीक भी रहा है।
खा लो, ये लो, ये नहीं खा रहा। चल उसमें डाल दीजिए। दोस्तों तो हम लोग घर आ चुके हैं, जहाँ पहुँचना था हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। एंड ये देखो ये मम्मी बैठी है, मम्मी हेलो बोलो। हेलो। और ये देखो ये मेरा सहज, सहज इधर देखो। किसका फोन? ये मेरी दादी जी से। हाँ जी हेलो बोल दो। हेलो हेलो बोल दो। हेलो कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो ठीक हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे आप बताओ क्या कर रहे हो? सब्जी छोकरी। कौन सी सब्जी? दाल। दाल हम दाल चावल बना रहे हैं। हैं चावल बना रहे हैं। दाल बना रही है। दाल सोच रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गया है। देख रहा हूँ। आओ आओ गैस। और गैस नहीं सहज।